मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। मुंब्रा के एमएम वली रोड पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ मुंब्रा पुलिस स्टेशन में एनसीपी कार्यकर्ता हाशिम शेख और शबाना शेख ने मुंब्रा के ट्रैफिक सीनियर पीआई सुरेश केटकर और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई ज्ञानेश्वर काबले को लेटर देकर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल एमएम वली रोड पर इंसिडेंट करने की वजह से हादसे होने की खबरें भी सामने आती। खतरनाक तरीके से यहां पर बाइक और कार का स्टंट करते हैं और फिर ये युवक उस स्टंट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में भी अपलोड कर देते हैं। खास करके इंस्टाग्राम पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये स्टंट का वीडियो अपलोड करते हैं। इस रोड पर आने जाने वाले लोगों की हमेशा से ही शिकायत है कि पुलिस यहाँ पर स्टंट जो लोग करते हैं इन स्टंटबाजों पर उचित कार्रवाई करे। और अब कुछ लोग जो है पहुंचकर पुलिस को इस शिकायत के संबंध में लेटर भी दिया। आशिम भाई क्या कहेंगे, जैसे कि आज आपने एक लेटर दिया है एमएमएलई पे जो राइडिंग होती है उसको लेकर, क्या कहेंगे? मैं आपकी न्यूज के माध्यम से मैं बता दूं कि पहला तो एमएमएलई में जो रोड बना हुआ है बहुत अच्छा रोड है और बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मसला ये था कि वहाँ पे जो राइडिंग हो रही है, मैंने एक दो बार देखा जब स्कूल चालू छुट्टी है और जब बच्चे अंदर जाते हैं और छूटते हैं फिर, तो जो हमारे जो ये राइडर लोग हैं अपनी अपनी बाइक लेकर अपनी इंस्टा के फॉलोवर्स और लाइक बढ़ाने के लिए जो राइडिंग करके वीडियो बनाते हैं उसको देखते हुए, और इससे पहले भी कई ऐसी कंप्लेंट हमने दिया था उमरा पुलिस स्टेशन में और हमारे ट्रैफिक इंचार्ज को दिया था, और आज भी हमने वही सेम किया है। हमारे ट्रैफिक इंचार्ज जो है और जो हमारे नए सीनियर पीआई हैं उनसे हमने लेटर देकर हमने कार्रवाई की मांग किया है कि जिस तरीके से वहाँ पे जो राइडिंग गिरी हो रही है और जो लड़का है वो, एक तो मैं आपको बता दूं कि आसपास नाम का जो लड़का है उसके ऊपर कई बार ऐसे कार्रवाई हो चुकी है लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेता है। जिस तरीके से उसकी आप इंस्टा आईडी पे जाकर देख सकते हो और उसने जो राइडिंग करके जो फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें उनकी भी जान को खतरा है और आने जाने वाले लोगों को भी खतरा है। तो उसको देखते हुए हमने अभी सीनियर साहब से, दोनों सीनियर साहब से हमारे कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरीके से इसके ऊपर ध्यान देंगे और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आपने इससे पहले भी कुछ लेटर दिया था और उस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसे बार बार हरकत करते हैं? देखिए वो बेहया हो चुके हैं, उनको शर्म नहीं बची होगी तो ये सब कर रहे होंगे जो कि उनके ऊपर शोभा नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा होता है कि कुछ माँ बाप जिम्मेदार होते हैं, शायद उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो इस तरीके से बच्चा कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो। बच्चा जब निकलता है इस तरीके से जो राइडिंग कर रहा है इसमें दोनों की जान को खतरा है। अरे पढ़ो लिखो, अपना काम धंधा वो करो ना, ये राइडिंग ये सब करने से फॉलोअर्स बढ़ाने से आपकी आपको नुकसान है और आने जाने वाले लोगों का नुकसान है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप थोड़े से फेमस हो जाओगे ये होता है। और मैं मुंब्रा पुलिस से निवेदन करता हूँ कि मेरे लेटर पे इसके कार्रवाई होने के बाद उसकी एक वीडियो बनाना चाहिए सॉरी बोलती हुई और माफ़ी मांगती हुई, जिस तरीके से हमारे और जो स्टाफ लोग जो करते हैं सॉरी बोलती हुई वीडियो होती है, और इसकी इंस्टा आई डी जो है वो डिलीट करना चाहिए, ये मेरी मांग। शबाना मैम आप भी आप यहाँ पे आए हो, क्या कहेंगे ऐसे राइडरों को? ऐसे राइडरों पे ना कोई ना कोई तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग राइडिंग करते हैं जिस टाइम पे स्कूल छुट्टी है, कॉलेज की बच्चियाँ निकलती है, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी से कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए और इनको रोकना चाहिए।